સુરતના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં જેજી આર્ટ ગેલેરીમાં ડિઝાઇનર વસ્ત્રોનું પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મહિલાઓને લગતા અવનવા વસ્ત્રો પ્રદર્શન માટે મુકાયા હતા, જેમાં સુરતના સાલીની સંધાઈ દ્વારા બનાવાયેલા અવનવા ડિઝાઇનના વસ્ત્રો પ્રદર્શન માટે મુકાયા હતા। कोरोना संक्रमण दरमियान शहर में एक्जिबिशन बंद थी गया हो, जो कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स ना टेक्सटाइल एक्सपो बाद कोरोना की गाइडलाइन साथ एक्जिबिशन शुरू थया छे, जेमा महिलाओं वस्त्रों ने रजू करता एक्जिबिशन सिटी लाइट खाते आवेला साइंस सेंटर सामे जेजे आर्ट गैलरी में योजायो छे। आत्मनिर्भर बनेली महिलाओं द्वारा तैयार करवामां आवेला अने भारतीय संस्कृति ने उजागर करता वस्त्रों प्रदर्शन में मुकवामां आव्या छे। देशना परंपरागत कापड़मांथी बनेला वस्त्रों ने नवे डिजाइन अने शेप साथे रजू करवामां आव्या छे। हाल शरारा ने साड़ी ट्रेन में छे, परंतु तेमनुं काम जूना फेब्रिक्स नुं छे, जेम के बांधणी, लहेरियु, लखनवी, ब्रोकेट, आ बधा फेब्रिक्स ने नवा कट साथे रजू करवामां आव्या हता, जेथी आजना समयनी महिलाओं फेशननी साथे साथे भारतना कल्चर ने पण आगळ लई जाय अने साथे तेने कम्फर्ट पण लागे। अपनी धरोहर ने साचवा माटे अमे आ फेब्रिक्स नो उपयोग फेशन में कर रहा छे। आ सप्ताहे चेम्बर ऑफ कॉमर्स नो फेशन शो थवानो छे, तेमा पण सूरतना कपड़ाओं ने रजू करवा माटे नो आग्रह राखवामां आव्यो छे। मैं सूरत गुजरात से काम करती हूँ और मैं यहाँ जो है आज एग्जीबिशन जेजे आर्ट गैलरी पे कर रही हूँ, आज और कल है। यहाँ पे मेरा हर तरह का, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ तो हम कस्टमाइज हर तरह का चीज़ बनाते हैं, लेकिन अभी जैसे कमिंग जो है वो गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स का फैशन शो होने वाला है और उसके लिए उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उसके लिए मैंने सूरत के फैब्रिक के हिसाब से भी यूज़ किया है। वैसे मैं ज़्यादातर यूज़ जो है वो इंडिया के ट्रेडिशनल कपड़े जो होते हैं फैब्रिक, जैसे अपन बंधेज हुआ, लहरिया हुआ, ये सब मैं प्योर के जो भी ब्रोकेड हुआ ये सब यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमें कहा गया है कि सूरत का आपको फैब्रिक को भी प्रमोट करना है, तो अब हम सूरत के फैब्रिक को भी थोड़ा उसके हिसाब से भी उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। महिला आत्मनिर्भर बने ते जरूरी छे। लग्नना 15 वर्ष बाद शालिनी संघाई फैशन डिजाइनर बनी हती। काम करवानी कोई उम्र होती नथी, तेओ क्लास में जता हता त्यारे तेमनाथी अर्धी उम्रनी छोकरी आवती हती, तेम छता ते टॉप पर रही हती। एक संदेशो आपता जणाव्युं हतुं के दरेक महिलामां एक टेलेंट होय छे, जेथी महिलाओए घरनुं काम, बाळकोने साचवीने पण कंईक करवुं जोईए, तेना खुशी अने रूपिया बंने मळता होय छे, जेथी पगभर बनी शके। आजे जेजेआर गेलरीमां जो हुं आवी छुं शॉपिंग माटे, तो लहेरिया अने बंधेजनुं एटलुं सरस कलेक्शन छे के जे कलेक्शन कदाच क्यांय जोवा नथी मळ्युं। अने ए जे नानी नानी बारीक बारीकाईथी जे झीणवटथी वणाट कर्युं छे अमने, तो ए बहु सरस छे। અને સુરત લોકલ પબ્લિકનું પણ ધ્યાનમાં રાખીને ઘણું જોર્જેટ અને સિફોનમાં પણ બહુ સરસ કલેક્શન છે, તો જેજી આર્ટ ગેલેરી 2 દિવસ આ એક્ઝિબિશન છે હજુ, તો તમે શ્યોર મુલાકાત લેજો, ખૂબ સુંદર કલેક્શન છે, ખરેખર બહુ સુંદર, બહુ સરસ, હું એના માટે અભિનંદન આપું છું। થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ। કેમેરામેન રાહુલ મકવાણા સાથે દિવ્યેશ પરમાર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।